हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी को मेरे न्यू अनदर ब्लॉग में। चलिए आज शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग में। और ये देखिए सुंदर सा प्रवेश द्वार, आज हम आए हैं मंदिर देखने, अपने गांव का मंदिर। तो देखिए कितना सुंदर द्वार है, मंदिर सजाया हुआ है और आज हम मंदिर का दर्शन करवाएंगे। मंदिर में मेला लगा है, बहुत बड़ा, इस एरिया का सबसे बड़ी मंदिर है, हाइट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर प्रत्येक साल सावन में मेला लगता है। तो चलिए देखते हैं मेला में क्या सब आया हुआ है और कितना अच्छा से सजाया हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा झूला है, क्या बोलते हैं झूले को, राम झूला या क्या झूला पता नहीं, आकाशी झूला। लेकिन यहाँ पर अभी भजन भी चल रहा है जिसको मैंने म्यूट कर दिया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और इसमें मेरा भी एक छोटा सा क्लिप है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आवाज़ इतना ज़्यादा है बाहर, तो मैंने म्यूट कर दिया। और इतना सुंदर, इतना अच्छा से सजाया हुआ है, इस एरिया में ऐसा मंदिर नहीं है कहीं पर। प्रत्येक साल 5 दिन सावन में मेला लगता है, भगवान श्री कृष्ण को झूले पर रख करके झुलाया जाता है। राम सीता लक्ष्मण सभी को झूले पर रख करके झुलाया जाता है। तो ऐसा मंदिर आपने अभी इस एरिया में देखा नहीं होगा। ये देवधा है, जयनगर से 3-4 किलोमीटर नज़दीक सटा हुआ और बहुत ही अच्छे से मेला लगता है यहाँ पर। मेले में बहुत अच्छा से लोग देखते हैं, आते हैं, खरीदते हैं सामान भी खाने पीने की। और कुछ सजावट महिलाओं के जो श्रृंगार का सामान होता है वो सब भी मिल जाता है यहाँ पर। तो मंदिर के अंदर भी हम गए थे, मंदिर के अंदर भी दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैं बोल नहीं पाया वीडियो में क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, आवाज़ वॉइस रिकॉर्डिंग एट अ टाइम नहीं हो पा रहा था तो बोल ही नहीं पा रहा था, बोलने के बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो चलिए चलते हैं इधर, देखिए देखते हैं ये क्या सब है। देखिए बच्चों के लिए कितना अच्छा सा झूला सब लाया हुआ है। और ये देखिए कितना बीच में कृष्ण जी का स्टेचू है, मूर्ति बना हुआ है और चारों तरफ बच्चे लोग बैठा हुआ है। और ये है लड़कियों की ग्रुप जो अब जाएगी ऊपर चढ़ने के लिए उस पर, उस झूले पर। बीच में रास्ते रोक दिए तो थोड़ी देर रुकना पड़ा, फिर रास्ते साइड से निकल गया। और ये देखिए कैसा चिकचैक झूला है। उस बड़े वाले पर तो मैं भी झूला था, एक बार चक्कर आ गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है उस बड़े वाले झूले पर। ये घूमने वाले पर भी सर चकराने लगता है, इसलिए देख करके ही दिल भर लेते हैं, अच्छा लगता है देखने में। बस